there are three states of water: solid, liquid, gas. सॉलिड मतलब आप लोग जानते हैं बर्फ, आइस. लिक्विड मतलब वाटर, जो वाटर हम पीते हैं. और गैस मतलब स्टीम, जो स्टीम बन जाती है. स्टीम मतलब हो गया आपका जो भाप उड़ती है. नाउ तीनों स्टेट्स को आपस में इंटरचेंज करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारे यहाँ, वाटर साइकिल, जिससे जीवन चलता है अर्थ के ऊपर. तो सॉलिड को अगर आप हीट करेंगे, थ्री फिजिकल स्टेट्स जो हैं उनको इंटरचेंजेबल है, वो आपस में चेंज हो सकते हैं. कैसे? आइस को अगर आप हीट करें, दिस इज नोन एज मेल्टिंग ऑफ आइस, पिघलना, बर्फ का पिघलना, तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा. वाटर को फिर गर्म करें, हीट करें, तो क्या बन जाएगी? स्टीम बन जाएगी. और उल्टा प्रोसेस क्या है? दिस इज नोन एज वाटर को स्टीम में चेंज करने को कहते हैं एवोपरेशन. और उल्टा क्या है? स्टीम को अगर कूल करें, ठंडा करें, तो वाटर में चेंज हो जाता है. दिस प्रोसेस नोन एज कंडेंसेशन. और वाटर को और ज्यादा ठंडा करें, कूलिंग करें, तो फ्रीज कर जाता है वाटर और आइस बन जाती है. सो दिस वे इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेस जो है ये नेचर में वाटर साइकिल को लीड करता है, जो कि जिसका कि बहुत इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में. दिस इज नोन एज इंटर कन्वर्जन, आपस में बदलना ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ वाटर. नाउ अब हम एक एक प्रोसेस को, जैसे एवोपरेशन है, कंडेंसेशन है, इनको हम डिस्कस करेंगे. वी टू डिस्कस इज एवोपरेशन ऑफ वाटर, पानी का उड़ना. द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग, बदलना वाटर लिक्विड, लिक्विड फॉर्म से टू वाटर वेपर, गैसियस फॉर्म, स्टीम फॉर्म में, बाय हीटिंग इज कॉल्ड एवोपरेशन ऑफ वाटर. Now, what is the importance of evaporation? Due to evaporation of water, we observe, number one, water present in wet cloths. आपने घर में देखा होगा कपड़े धो के उसको सुखाने डाला जाता है. तो गीले कपड़े जो हैं, water present in wet clothes goes into the air in the form of vapors and our clothes get dried. जब आपको गर्मी मिलेगी sunlight से और धूप में अगर आप डालेंगे, तो कपड़े जो है उनका पानी उड़ जाएगा और एटमॉस्फेयर में चला जाएगा और कपड़े हमारे सूख जाएंगे. सेकंड, वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर, कहीं गिरा हुआ है पानी, ड्राइज अप, सूख जाता है एंड डिसअपीयर्स अगेन गोइंग इनटू एटमॉस्फेयर. वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, गीला रोड, पुडल्स, छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं, एंड रूफ टॉप, कहीं हमारी छतों पर पानी इकट्ठा हो रहा है. क्यों? क्योंकि कलेक्टेड ड्यूरिंग रेन्स, जब बारिश के समय इन जगहों पे पानी होता है, तो आप देखते हैं घंटे में, दो घंटे में, तीन घंटे में, और समटाइम्स एक या दो दिन में वो सूख जाता है, ड्राइज अप एंड डिसअपीयर्स अगेन एटमॉस्फेयर में चला जाता है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, जब आप समुद्र के पानी की छोटी छोटी क्यारियां बनाते हैं, तो क्या होता है? सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड, नमक प्राप्त किया जाता है. व्हेन वाटर फ्रॉम सी is left in shallow pits, ज्यादा गहरे नहीं करना, ऊपर ऊपर मतलब shallow होने चाहिए, उथले pits, the sea water, जो पानी है उसका वो उड़ जाएगा, evaporates leaving behind the salt, और जो नमक है वो वहां पे रह जाएगा, उसको फिर हम लोग थोड़ा सा purify करते हैं, क्योंकि उसमें कुछ impurities होती है. Now सबसे important चीज है, remember that heat is required, कभी भी evaporation के लिए heat चाहिए. और जब वहां से हीट ले जाई जाएगी, तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा? फॉर एवोपरेशन ऑफ वाटर एंड आफ्टर एवोपरेशन, सराउंडिंग आर कूल्ड. जब एवोपरेशन हो जाता है, तो उसके आसपास की जगह ठंडी हो जाती है. कैसे? जैसे आपने घड़े में देखा होगा पिचर, पिचर होता है घड़ा, घड़े में छोटे छोटे छेद होते हैं, उससे पानी एवोपरेट करता है और पीछे जो है पानी को ठंडा कर जाता है. वाटर कूलर में भी ऐसा ही होता है, जो पानी है वो एवोपरेट करता है और आपको ठंडक देता है. आपने देखा होगा हमारी बॉडी में स्वेट का प्रक्रिया है, स्वेट की प्रोसेस है. जब हमारी बॉडी में स्वेट आता है, तो वो एवोपरेट कर जाता है और हमारी बॉडी को पीछे से ठंडा छोड़ जाता है. दिस इज एवोपरेशन ऑफ वाटर. मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बाय विच वाटर गोज इन टू एटमोस्फेयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इज ट्रांसपायरेशन.
ये जरा ध्यान से सुनिएगा कि फर्स्ट टाइम शायद आया होगा आपके सामने या हो सकता है फिफ्थ क्लास में भी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस आया हो। पौधे जो हैं प्लांट्स वो पानी लेते हैं जमीन से, क्योंकि जमीन में पानी के साथ उनको मिलते हैं मिनरल्स एंड इम्पॉर्टेंट जो आयंस वगैरह होते हैं। तो प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो, पानी चाहिए उनको। दे टेक दिस वाटर, लेते हैं वो पानी फ्रॉम सॉइल, जमीन से, थ्रू देयर रूट्स, रूट्स के द्वारा पानी ऊपर आता है एंड यूज अ पार्ट ऑफ इट, कुछ इसमें से यूज कर लिया जाता है फॉर मेकिंग देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड कीप सम ऑफ इट, और थोड़ा सा पानी रखा जाता है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो रिमेनिंग एक्सेस वाटर है, द रिमेनिंग एक्सेस पार्ट ऑफ वाटर इज रिलीज बाय द प्लांट्स इनटू द एयर एज वेपर, वेपर की फॉर्म में पौधों से पानी उड़ता रहता है लगातार थ्रू स्टोमेटा। आप जब कभी अगर ऐसे देखेंगे पत्ते को तो यहां आपको छोटे छोटे किडनी शेप्ड ऐसे ऐसे क्या मिलेंगे, छेद मिलेंगे, उनको कहते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा छेद हैं, एक नहीं होते, लाखों छेद होते हैं पूरे पत्ते के बैक साइड और फ्रंट पे। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, पौधों के द्वारा जो पानी लॉस होता है ये प्रोसेस होता है ट्रांसपिरेशन। और ये ऐसा मत सोचिए कि हल्का है, एक पौधे जो है सिंगल पौधा जो है वो हो सकता है कम करता है, लेकिन दुनिया में इतने सारे पौधे हैं तो आप समझिए कि इट्स अ मेजर मेजर प्रोसेस एवोपरेशन और ट्रांसपिरेशन। दस वाटर एंटर्स द एयर और एटमोस्फेयर में दो मेन प्रोसेस है, थ्रू टू मेन प्रोसेसेस एवोपरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ये हो गया पानी कैसे जाता है एटमोस्फेयर में और वापिस कैसे गिरता है अर्थ पर, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस इन विच वाटर वेपर कन्वर्ट्स इनटू वाटर, कैसे, कूलिंग से, ऑन कूलिंग इन कोल्ड विंटर मॉर्निंग। अगर ठंड में देखो, जब सर्दियां आती है हमारे यहाँ तो सवेरे आप क्या देखते हैं, वी सी कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आती हैं एज टाइनी पार्टिकल, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ऑन द ग्रास, ड्यू जो पौधों के ऊपर छोटे 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 वो उसके पानी के जो ड्रॉपलेट होते हैं उनको ड्यू कहते हैं। ड्यू को हिंदी में हम लोग पाला कहते हैं। टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ योर कार, सवेरे कभी कार, बस या कोई भी सरफेस देखें उसके ऊपर छोटे 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 आप देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ऑन द कार एंड विंडो ग्लासेस, अपने घर के विंडो के ऊपर भी आपको दिखाई देते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स। मेन जो सर्दियों में खासकर शहरों में जो देख रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं, थिक व्हाइट क्लाउड ऑफ टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, फॉग जिसको कहते हैं, फॉग हो गया जी, फॉग आ गया जी। क्या होता है, नियर द ग्राउंड इन फील्ड्स, खासकर खेतों में बहुत ज्यादा होता है बट रोड्स पे भी होता है एंड ऑन द रोड्स, दैट रिड्यूसेस विजिबिलिटी। हर साल सर्दियों में कहते हैं जी ट्रेन रद्द हो गई, कैंसिल करनी पड़ी ट्रेन, हमारे को हवाई जहाज जो है एरोप्लेन की काफी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ता है क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से हम लोग टेक ऑफ नहीं कर पाते या उसको लैंडिंग नहीं कर पाते। सो दीज आर द मेजर प्रोसेसेस। इसके बाद अब मैं वाटर साइकिल समझाऊंगा, उसमें ये प्रोसेसेस आपको बड़ा इंपॉर्टेंट।